स्रोत चौधरी के भजन और लोकगीत चैनल की तरफ हूँ। सारे बहन भाइयों मारा बड़ा बड़ा राम राम। थाने जानकारी देनी का आप में एक चैनल और है जगह को नाम है सुनो कथा कहानी। आजकल ये सुनो कथा कहानी चैनल के ऊपर मैं बहुत ही सुंदर प्यारी और ज्ञानवर्धक और हर प्रकार की कथा और कहानियाँ अपलोड करे करा। वह कथा और कहानियाँ सबों पहली थार कन पहुँचे ये वास्ते थे हमारे ये चैनल सुनो कथा कहानी ने सब्सक्राइब कर लियो, मारी कथा और कहानियाँ ने लाइक करो और आगू आगे शेयर करो। आज मैं थार वास्ते बादुए की चाननी चौदस की अनंत चतुर्दशी की कथा ले गया आया। श्री सूत जी ब्राह्मणा ने कथा सुनाता हुआ बोलिया कै पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर एक यज्ञ को आयोजन करियो। बी यज्ञ में बा सारे राजावां ने बुलाया और इंद्रप्रस्थों आप गए कौरव भाइयों ने भी बुलाया। बी मंडप में जद दुर्योधन आन लग्यो तो वो सुखो स्थान समझ गए और पानी में गिर गयो। बिना देख गए और द्रौपदी जोर जोरू हंसन लगी और बोली कि अंधे गो पुत्र अंधो। तो दुर्योधन बिना आप गो अपमान समझो तथा रूस गे बठूँ चलो गयो। तो दुर्योधन गए मामे भी ने समझायो कि कोई नहीं तू ई बात की चिंता ना कर आपा भी हूँ अपनो बदलो जरूर लेवांगा। थोड़े दिन बाद ही और बाँ दूत किरडा रखी तथा सारे पांडवा ने बिंग माँ बुलाया और माँ छल कपटू दूत जीत लियो और तथा पांडवाओं बांगो सारो राज्य भी हड़प कर लियो और बने 14 वर्ष गो वनवास और 1 वर्ष गो अज्ञातवास देगे भेज दिया। जब वे 14 वर्ष वनवास में रहन लाग रहा तो बांकन श्री कृष्ण जी गया और बोलिया कि हे युधिष्ठिर अगर थे थारे दुखां गो छुटकारो पानो चाहो तो अनंत भगवान गो व्रत करो। तो युधिष्ठिर बोलिया हे मधुसूदन माने तो पतो कोनी ओ व्रत के है किसे देवता गो है और किया करी जाए तो कृपया करके थे ही इंगी सारी जानकारी माने बताओ। तो श्री कृष्ण जी बोलिया कि अनंत मेरो ही रूप है, मैं जद विष्णु रूप में हूँ तो मैं ही अनंत रूप हूँ, मेरो ही विराट रूप अनंत रूप कहाई जाए। जकह गए माँ सारा तल भूतल स्वर्ग सूरज नक्षत्र ब्रह्मांड सब मेरा में ही समाहित होवे और मेरो रूप चारों तरफ फैलेडो होवे। मैं भी टेम 14 लोकां की रचना करी तथा बांगो भरण पोषण करण को दायित्व लियो। ई खातर ई दिन मेरा व्रत करी जाए। सतयुग में मेरो व्रत कौंडिन्य ऋषि मेरो व्रत करियो और सारे दुखों छुटकारो पायो। अब मैं थाने बा कथा सुनाऊं। श्री कृष्ण जी बोलिया हे युधिष्ठिर सतयुग में एक नगरी में सुमंत नाम को एक ब्राह्मण रहंतो और बिंगी पत्नी को नाम हो दीक्षा। बांगे घरे एक कन्या को जन्म होयो जकी को नाम बा सुशीला रखियो, बिन प्यार में शीला भी कहता। अब थोड़े दिन बाद भी शीला की माता दीक्षा ही बिंगी मृत्यु होगी तो सुमंत ब्राह्मण दूसरो विवाह कर लियो। तो भी सोतेली माँ को नाम हो कर्कशा जकी भी सुशीला ने बड़ा दुख दे करती। अब धीरे धीरे सुशीला है जकी बड़ी होन लागी तो सुमंत सोचो भी अब कन्या बड़ी होगी तो क्यों ना इंगो ब्याह कर दिया। तो बा शीला को ब्याह कौंडिन्य नामक ऋषि सगे कर दियो। दहेज में बा भी सुशीला ने की कौन दियो, बस बीए विदा कर दिया। दुखी मनु कौंडिन्य और शीला दोनों चल पड़िया। अब बैलगाड़ी पर चलता बाने रात होगी तो बे यमुना नदी कन विश्रामणी लेन ला गया। अगलो दिन उग्यो तो कौंडिन्य ऋषि आप गए नित्य कर्म निर्वर्त होने वास्ते चलो गयो और लारे सुशीला बैठी यमुना नदी के किनारे तो बन देखियो कई औरतां यमुना नदी कन कोई पूजा करन लाग रही है। तो भाभी बांग कने चली गई और जाके पूछो भी बहनों थे क्यांगी पूजा करो, किसो देवता है, के व्रत है, मन्ने भी इनके बारे में बताओ। तो बे औरतां बोली कै शीला मैं अनंत भगवान को व्रत करा, ई मैं अनंत देव की पूजा करी जाए और अनंत डोरो बांधी जाए हाथ गए और अनंत भगवान की कथा कही जाए, बी कारण है अपने घर में सुख सुविधा आवे धन धान्य और संतान की प्राप्ति होवे तो थे भी ई व्रत ने कर सको। तो शीला भी बांकनू आपका हाथ में डोरो बंधा लियो
और वो व्रत रख लियो। ब्यू बाद में दोनों जना बैलगाड़ी पर बैठ गए, आप गए घरे आ गया। अब शीला हर साल अनंत भगवान को व्रत करण लागी। इन व्रत का प्रभाव धीरे धीरे वहाँ घर में सुख सुविधा आ गई, धन धान्य हो गयो, बहुत मतलब वे अमीर हो गया, बहुत वैभव हो गयो वहाँ घर में। एक दिन कौंडिन्य ऋषि देखियो भी शीला के हाथ में कोई डोरो बंधेड़ो है, तो बन आपकी पत्नी ने पूछो कि शीला तें वो हाथ में क्यांगो डोरो बांध रखियो है। तो बा बोली कि जी वो तो अनंत भगवान को डोरो है, मैं अनंत भगवान को व्रत करे करूँ, इन कारण ही अपने घर में सुख सुविधा अन्न धन सारो की है। तो कौंडिन्य ऋषि बोलियो कि अनंत अनंत की कोनी, वो तो सारो मेरी मेहनत को फल है और मन सब पतो है, तैं वो डोरो मन वश में करने वास्ते ही बांध रखियो है। तो बन रीस मागे वो डोरो तोड़ दियो और आग में फेंक दियो। अब थोड़ा दिन बाद ही बांग घर की गायें ही वे चोर चोर ले गया और घर में थोड़े दिन बाद आग लागी, तो सारो धन दौलत सब जल गिर नष्ट हो गयो। अब कौंडिन्य ऋषि बहुत दुखी रहन लागो। तो एक दिन वो आपकी पत्नी ने बोलियो कि शीला केठा किंगी नज़र लागी अपने घर में, जोको कोई तो अपनी गायें चोर ले गयो, अपनो घर भी जल गयो, सारो धन दौलत सब अपनो नष्ट हो गयो, आपा इतना दुखी हो गया, ना अपने संतान होने लाग रही। तो शीला बोली कि थे ही अनंत भगवान को अपमान करियो, बंगो डोरो बाल दियो, वो सब ई कारण ही होने लाग रही है। अब थे बाऊ माफ़ी मांगो तो आपने सारो की वापिस सही हो। तो अब कौंडिन्य ऋषि भगवान अनंत की खोज में चाल पड़िया। चालता चालता वे जंगल में गया। अब इं तो अनंत भगवान कट्ठे मिले, तो बा वृक्ष ने पूछो कि अनंत भगवान ने देखियो के? वृक्ष कह जी मैं तो कौन देखियो। आगे गऊ मिली, गऊ ने पूछो कि थे अनंत भगवान ने देखियो के? गऊ बोली भी मैं ही कौन देखियो। आगे गया तो आगे बेल मिलियो, बेल ही आई बात कही भी मन तो अनंत भगवान कौन दिखा। अब थोड़ा आगे और गया तो बाने गधो मिलियो, हाथी मिलियो। अब सारा ने पूछो पर अनंत भगवान तो कट्ठे ही कौन मिलिया। अब भूखा तीसा भटकता फिरा वन में, तो बे मूर्छा खा गए अरे गिर गया। अब बठे अनंत भगवान प्रगट होया एक ब्राह्मण के रूप में, और बांगे मुँह पर जल जुल छिड़क गए और बाने होश में लियाया और पूछो भाई तू किन ढूंढ तो फिरे? तो वो बोलियो कि भाई मेरू अनंत भगवान को अपमान हो गयो, तो ई करके मारे घर में दुख दरिद्रता बहुत आ रही है, तो मैं अनंत भगवान ने ढूंढ तो फिरूँ भी, बाहू माफ़ी मांगूँ, बाहू कोई उपाय पूछूँ भी मारे घर में वापिस सुख शांति आवे, धन धान्य वापिस आवे। तो ब्राह्मण बोलियो कि भी फिक्र ना कर, अनंत भगवान तो हर जगह ही मौजूद है, बाने यहाँ ढूंढे थोड़ी मिले, तू तेरे घरे जा अनंत भगवान को व्रत राख, 14 साल तई तू वो व्रत राख, ब्यू बाद आप ही अनंत भगवान की तेरे पर कृपा हो जाएगी, तेरे घर में सुख शांति आ जाएगी, संतान की प्राप्ति हो जाएगी, धन धान्य आ जाएगो, वापिस सारो वैभव तने मिल जाएगो। जब वो बोलियो कि मैं रास्ता में आओ तो मैंने कई जीव जंतु मिलिया, तो एक कुण है? तो वो बोलियो भी जो को तने आम को पेड़ मिलियो वो एक पूर्व जन्म में ब्राह्मण हो, तो वो बच्चा ने शिक्षा दें तो बिंग बदले में रिपिया लें तो भी पाप के कारण वो आम गो पेड़ बन गयो। जकी तने गाँव मिली आ धरती अण एक करके कोई बीज चुरा लियो, ई कारण इन गाँ गो रूप लेनो पड़ो। ओ बेल जको तने मिलियो ओ धर्म है, अण एक रह धर्म को कार्य करियो तो ई पाप कर्म इन्हें बेल बननो पड़ो। और जको गदो मिलियो है तने ओ क्रोध है, और जको हाथी मिलियो है ओ अभिमान है, वो हाथी को रूप ले फिरन लाग रियो है। ई सब संसार में लोग मतलब सारा आप का पाप कर्मा का फल भुगतता फिरन लाग रहा है, तू आगी फिक्र ना कर, तू तेरा घरे जा और अनंत भगवान को व्रत कर, तेरा सारा दुख और कष्ट दूर हो जाएगा। इत तो सुन गए कौंडिन्य ऋषि वापिस आपके घरे आ गयो, आगे आपकी पत्नी के सागे अनंत भगवान की पूजा करी और बांगो डोरो हाथ पर धारण करियो। 14 वर्षा ताई बा अनंत भगवान का व्रत रख्या। ब्यू बाद अनंत भगवान बा ने दर्शन दिया, बाने संतान दी, बां घर में सुख शांति वैभव सारू की प्रदान करियो। अब कौंडिन्य ऋषि ने आपको मान सम्मान धन दौलत वैभव सुख संपदा सब वापिस मिलगी, बांगे संतान की प्राप्ति होगी, तो हे युधिष्ठिर कौंडिन्य ऋषि ई व्रत ने करियो तो बाने ओ फल मिलियो, तो थे भी ई व्रत ने करो तो थाने थारो राजपाट वापिस मिल जाएगो। ब्यू बाद पांडवा 14 वर्ष ताई
वन गै मारे आ जिते अनंत भगवान को वर्त करियो। ई फल नू बन आप गए राज्य की प्राप्ति होई। तो आ ही अनंत भगवान की कथा, उम्मीद है थाने पसंद आई होनी। इन्हें सुनियो, सीखियो। जय अनंत भगवान।